थैंक यू। तो गाइस इसका नाम है कैस्पर और वो है लैला। तो नीचे घाटी से ना ऊपर हाइट की ओर जाने लग गया, बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुका अभी मैं। फाइनली दोस्तों, तो भाई ये हमारा आज का स्टे। ये ब्रोनो बहुत ही फ्रेंडली है गाइस, कुत्ते कुत्ते नहीं डॉग है गाइस, कुत्ते तो हमारे घर में है। बात ये नहीं कि इससे क्या मिलेगा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिंदगी में जो ठान लिया वो करना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि तरक्की भी सिर्फ उनके ऊपर ही रहम खाती है जो अपने ऊपर बेरहम हो जाते हैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे गाइस मेरी तरफ। तो यार दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने अपना सारा सामान गाइस पैक कर लिया है। वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक नेदर एपिसोड में अपनी लद्दाख सीरीज का। तो गाइस लद्दाख सीरीज का आज है डे 2 और अभी मैं हूँ शिमला में। तो भाई सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी हाई अपनी चीता खड़ी है और चीता अपना सारा सामान वगैरह रेडी करते हैं गाइस। और आज का रूट रहने वाला हमारा कुल्लू मनाली में जीवी एक जगह बहुत ही प्यारी जगह है, वहाँ पर जाने वाले हमारे सुनील भाई भी भाई वहाँ पे। तो सुनील भाई से मुलाकात हो जाएगी आज। तो अपनी गाड़ी पे भाई फटाफट पेंडर्स लगाते हैं, सामान वगैरह रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं। फाइनली गाइज अपनी चिता का सारा सामान सेट कर लिया गया हमने और इस जगह ये डब्बा जो है मैंने ऊपर रख दिया, जिससे भाई अपना यूट्यूब चैनल नेम दिखते रहेगा बायोटेक राइडर। तो भाई निकलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस राइड को। और भाई पानी की बोतल रखना भूल गया था, तो भाई पानी पियेंगे रास्ते में जहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। भाई स्टैंड ना टूट जाए गाइज। तो गाइज शुरू करते हैं आज की इस राइड को, लेते हैं भगवान जी का नाम। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। सुबह सुबह गाइज राइड करने का तो मज़ा ही अलग है। तो गाइज आज का रूट रहने वाला अपना नारकंडा वाला। तो भाई मैं मंडी के रास्ते नहीं जाने वाला, इस बार जाने वाला भाई मैं नारकंडा के रास्ते। तो यार दोस्तों, अभी आप लोगों ने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आज का सफर भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि एक नए रूट से मैं जाने वाला हूँ और पुरानी यादें भी ताज़ी होने वाली अपनी स्पीति वाली, क्योंकि नारकंडा के रास्ते ही मैं स्पीति गया था लास्ट टाइम। तो यार ट्रैफिक लग गया थोड़ा सा यहाँ पे, कुफरी से थोड़ा सा पहले ट्रैफिक लग गया और भूख भी लग रही है। पहले ब्रेकफास्ट भी करेंगे, बहुत सारा सामान भी भाई मैं देहरादून में ही भूल गया हूँ, वो आपको बताएंगे जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे उस वक्त। तो यार गाइस ये सेब की खेती है और सेब की खेती के लिए भाई कितना कवर करने के लिए ये लगा रखा है, बंदर वंदर ना आ जाए। भाई मन तो कर रहा है कि एक सेब तोड़ के खा लिया जाए। भाई तोड़ के खाने का जो मजा है ना भाई, रस वाला। जब हम स्पीति गए थे ना, तब हमने खाया था रास्ते में, वो साइड से पू वाली जगह पर था। चलो इस बार भी मौका मिलेगा तो खाएंगे गाइस कहीं ना कहीं पे। तो यार दोस्तों तुम्हारा भाई आ चुका है भाई एक ढाबे पे, यहाँ पर मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे। और अपनी चीता भाई यहाँ पर खड़ी कर दिया अपन ने, भाई बस गिरे ना बहुत ज़्यादा डर लगता ही यहाँ को ना पलट जाए। तो यार गाइस अभी यहाँ पर धूप वगैरह मस्त आ रही है, तो अभी यहाँ पर खाते हैं भाई ऑमलेट और मैगी और चाय और फिर जाके मिलते हैं। तो यार गाइस ब्रेकफास्ट भी हो गया, फाइनली दोस्तों तुम्हारा भाई पहुँच चुका है नारकंडा। कुल्लू है यहाँ से 129 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से अपने को लेफ्ट टर्न होना है कुल्लू के लिए। तो यार गाइस बड़ी छोटी रोड है यहाँ पे। चलो जी, तो भाई एक ब्रिज पर आ चुका हूँ मैं, पता नहीं कौन सी नदी है। और सामने भाई अब जाना कहाँ गया, दोबारा देखना पड़ेगा अपने को मैप पे, पर यहाँ पढ़ लेते हैं कि कहाँ के लिए है लहरी। तो गाइस अपने जाना है लहरी आई रोड पे, लहरी। ओहो यहाँ तो भाई बैग बैग हो रहा है भाई, नदी बड़ी मस्त लग रही है। तो यार गाइस आगे से आ रहे BMW और हिमालयन बाइकर्स, भाई बड़े मस्त लग रहे। भाई सारे फॉरनर्स है भाई, सारे के सारे। फ्यूल पंप 1 किलोमीटर अहेड। तो गाइस 1 किलोमीटर बाद फ्यूल पंप है, तो भाई अपनी चीता की पेट पूजा भी करवा लेंगे। हाँ बस 810 ठीक है, 810 हाँ बस ठीक है। तो यार गाइज अपनी चीता की पेट पूजा भी होगी भाई, 810 रुपये में भाई अपनी चीता फुल होगी है। तो यार गाइज अराउंड 50 किलोमीटर का सफ़र और है अपना। तो यार गाइज इस रास्ते में पहली बार आ रहा हूँ, तो इसलिए भाई बड़ा मज़ा से आ रहा है। सेकेंड बार तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा ये रास्ता, तो मैं बताइए भाई एक ही रास्ते जाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने आज ये वाला रूट चुना है, जो कि भाई 30-40 किलोमीटर शॉर्ट भी अपने लिए। लो भाई दोबारा से लग गया ट्रैफिक। तो यार गाइज पता नहीं क्या होगा, मैं थोड़ा आगे चल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से तो गाड़ी निकलने की है नहीं वैसे भी।
और हमारे बक्स किसी की गाड़ी को टच ना हो जाए। यार दोस्तों तुम्हारा भाई सारी गाड़ियों से पास लेके आगे आ गया भाई। ये लो जी बहुत सारी गाड़ियां भाई मेरे पीछे। अब इस ट्रक से मैंने पास लेना है फिर जाके भाई तुम्हारा भाई सबसे आगे। गाइस ये एक छोटा शहर हिमाचल का आनी आनी। तो गाइस पहली बार सुना मैं भी आनी। तो गाइस ये एक जगह का नाम है आनी। छोटी इतनी छोटी जगह है, मार्केट भाई बहुत बड़ा है यहाँ पर भाई। यहाँ पर हुंडई का शोरूम था, सुजुकी का शोरूम है भाई। तो यार गाइस जांच कार की प्रैक्टिस ना मैं पहले ही कर चुका इस रोड में। अब भाई इतनी नैरो नैरो सी रोड आ रही है, मतलब जैसे हमारी गांव की रोड आती है ना वैसी रोड में आ चुका हूँ मैं। और भाई यहाँ तो चीड़ के पेड़ भी है भाई। तो नीचे घाटी से ना ऊपर हाइट की ओर जाने लग गया, बहुत ज़्यादा हाइट पर आ चुका अभी मैं भाई। अभी मतलब और ज़्यादा हाइट पर जाना है अपने को। जैसे नीचे से भाई नीचे का टेम्परेचर ना भाई बहुत ज़्यादा ज़्यादा था, और जैसे ऊपर ऊपर जाते भाई टेम्परेचर लो होते जा रहा है। तो भाई अब जाके तो ठंडा ठंडा सा होने लगे यहाँ आने पर, यहाँ आने के बाद। और इस जगह का नाम भाई कमांद। आज ऐसी ऐसी जगह का नाम पढ़ लिया ना गाइस, मज़ा आ गया। और भाई ये है यहाँ पर सेब की खेती, यहाँ भी सेब की खेती है, नीचे साइड ऊपर साइड मक्के लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सेब की खेती है भाई। ऊपर तो पूरा वाइट वाइट चादर से भी साध की सब लोगों ने उस साइड। भाई मैं नीचे इस घाटी से आ रखा हूँ भाई, मतलब इतनी हाइट में आ गया पता ही नहीं चला गाइस। भाई लाइफ इज ब्यूटीफुल, इंजॉय एवरी डे। तो ये जिंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, इसको हर एक पल का मजा लीजिए। हाँ एक मैं खा नहीं पाऊँगा, दे दो एक मीठा मीठा सा कोई, थैंक यू। तो यार गाइस भैया ने दिया अपने को एक सेब। तो यार गाइस यहाँ से जीवी अभी 30 किलोमीटर और है भाई, और इस बार भी अपन ने सेब खा लेंगे भाई। और कब से मैं सोचा कि भाई कुछ पीता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर देखे सेब वाले तो भाई एक सेब ही दे दिया भैया ने मुझे। तो यार गाइस स्टिंग भी ले ली है, तो भाई अब जाके कहीं पर रुक के अपन पिएगा। मात्र 30 किलोमीटर की मंजिल और है भाई साहब, मंजिल तो यूँ ही बदनाम है गाइस, मज़ा तो सफ़र का है। तो यार गाइस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो भाई सेब खाते हैं भाई साहब, मज़ा आ गया गाइस। लोकल सेब खाने का भाई, अभी पेड़ का सेब है और भाई इतना ज़्यादा रस है ना इसके अंदर, और साथ में गाइस स्टिंग। तो एनर्जी आ गई गाइस, अब तो निकलते हैं। और भाई मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं क्या क्या लाना भूल गया हूँ गाइस। सबसे पहले तो भाई मैं पावर बैंक लाना भूल गया, मेरे पास कोई पावर बैंक नहीं है। जहाँ पर मैं कैंपिंग करूँगा वहाँ पर मेरे पास चार्जर की कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है। सेकंड ये कि अपना चैन स्प्रे भी लेके नहीं आया मैं। थर्ड कोई डिस्क पैड, कोई क्लच वायर, कोई कुछ लेके नहीं आया भाई। एसेसरीज अपनी गाड़ी की कुछ भी नहीं है, इंजन ऑयल तक नहीं लेके आया मैं। और भाई सबसे मेन जो कि भाई हमारी ट्यूब में जो रिपेयर वाला मोटूल का था, कहीं पर पंचर हो गया, तो भाई उसके लिए भी कुछ है ही नहीं अपने पास। तो अपन भाई ऐसे ही निकले हैं, और कोई भी दवाइयाँ मेडिसिन कुछ भी नहीं है गाइस। बस घर से भाई जय श्री राम बोल के मैं निकल पड़ा हूँ। तो यार गाइस बारिश होने लगी है भाई, भीग ना जाऊँ यार कहीं पर, देखता हूँ भाई रुक जाऊँगा, जब बारिश बंद होगी तभी आगे चलेंगे यार। फाइनली गाइस जब पहुँच चुका हूँ अपनी लोकेशन में, तो भाई यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना है। भाई एक बार तो पीछे मैं गिर गया था भाई, इतना कीचड़ हो रहा है इस रोड में। तो गाइस ये जीवी भाई, यहाँ बस मस्त से बहेंगे, रिजॉर्ट वगैरह बन रखे बहुत तगड़े तगड़े। तो भाई जीवी, तो तुम्हारा भाई पहुँच चुका है गाइस जीवी में। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं, कैसे हो? बढ़िया। तो यार गाइस हमने अपनी चीता को यहाँ पार्किंग में लगा दिया, और भाई ये है सुनील भाई की हिमालयन, और ये भाई देहरादून नंबर भाई NS। फाइनली गाइस यार आ चुके भाई अपने डोम में। तो भाई रूम टूर भाई थोड़ी लेता, पहले फ्रेश वगैरह होता हूं। फाइनली दोस्तों भाई ये हमारा आज का स्टे। तो भाई कैसा लगा कमेंट कीजिए, जरूर बताना। तो यार गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से भाई कुल्लू और सिटी में। तो भाई लंच वगैरह करते हैं और तब तक आप इसके सिनेमैटिक देखिए।
गाइस ये है हमारा आज का स्टे। तो भाई नहा लिए तो बाल वगैरह सेट करते हैं अभी। तो भाई ये है अपना रूम। तो भाई सबसे बेस्ट है कि ये भाई इस पर ना यहाँ से हवा आ रही है, ये वेंटिलेशन के लिए है। और भाई ऊपर एक ये मस्त चीज़ देखी, जो कि पहले इससे पहले गाइस मैं ऋषिकेश डोम में रुका हूँ, बट ये डोम ना पूरा का पूरा डिफरेंट है उससे, और लुक वाइज भी भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ऊपर देखो भाई, ऊपर से अलग है। और भाई यहाँ पर ये वाला फ़ोन देखा जो पहले आते थे भाई, ये नंबर वाला। तो गाइस ये अपना बेड और यहाँ पर सिटिंग एरिया दे रखा दो। तो सबसे बेस्ट तो भाई ये नीचे वाला है, तो ऐसे भी भाई बैठ सकते हैं मज़े से, ये मस्त है। और ये भाई पूरी जो कैटर्न है वो खुल भी जाती है और लग भी जाती है, बहुत बढ़िया है। और एसी नहीं है, एसी की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। कुछ ये व्यू है भाई, और यहाँ से ना बाहर मस्त आप हिमालयाज पीक देख सकते हो। और ये भाई कुछ इस तरीके से मैंने सामान को सेट कर दिया, मतलब आज उतनी गंदगी नहीं करता तुम्हारा भाई, मतलब अंदर गाइस ना मैं बिना जूतों के चल रहा हूँ लगा लो, मतलब मन नहीं कर रहा जूते पहनने का यहाँ पर अंदर। तो भाई ये चार्जिंग पॉइंट हर जगह पर दे रखे हैं, लाइट वगैरह। और ये भाई घड़ी देखो भाई, 6 बजने वाला है, घड़ी बंद है, बंद है गाइस। और यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, फूल वगैरह और मैगजीन वगैरह रखी हुई हैं। फिर यहाँ से भी एक वेंटिलेशन के लिए है, और ये भाई हैंगर टाइप का है कपड़े वपड़े के लिए। और यहाँ से भाई पीछे आप लोग अपना सामान वगैरह रख सकते हो। तो भाई वॉशरूम ना बहुत मस्त है, ये देखो भाई ये वॉशरूम। और सबसे बेस्ट है कि भाई ये रिंग लाइट वाला सीन। तो गाइस अभी लंच नहीं किया, देखते हैं भाई सुनील भाई क्या लंच करवा रहे हैं आज। प्रॉन्स नहीं दे सकते भी क्योंकि भाई बाहर बारिश हो रही है, मतलब सबसे बेस्ट है कि मतलब अपन ना भाई बारिश से पहले पहुंच गया यहाँ पर। और कुछ इस साइड में मेरा सामान वगैरह रखा है। और भाई सबसे बेस्ट है कि वाली चेयर, और ये हीटर वगैरह दे रखा है, फ़ैन वगैरह दे रखा है। तो भाई एक बार बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बारिश में। तो यार गाइस ये है बारिश में व्यू बाहर का। तो गाइस ये पूरा ऊपर तक इनकी प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले भी भाई बहुत। तो यार गाइस बहुत तेज़ बारिश होने लगी अभी तो भाई, और नीचे एप्पल की खेती भी हो रही है भाई। लोकेशन मस्त है बिल्कुल भाई, बिल्कुल शांति है, सुकून, बेस्ट है कि मतलब यहाँ पीस है भाई, आराम से अपना चिल करने आ सकते हो आप लोग। तो भाई पहले लंच करते हैं फिर मिलते हैं पर और लैला। तो गाइस इसका नाम है कैस्पर और वो है लैला। अच्छा ब्रोनो, यार ब्रोनो की ब्रोनो सुना सा लग रहा है यार। हाँ ठीक है, तो यार गाइस लंच करते हैं। और भाई ब्रूनो यार किसी डॉग का नाम तो था भाई देहरादून में भाई। ये पूरे एप्पल की खेती यहाँ पर मस्त, और यहाँ पर बैठ के भाई अब हम करेंगे लंच भाई, एक अलग ही नज़ारा। तो भाई नीचे भी है मस्त वाला यार, वहीं बैठेंगे, वहाँ भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, पहले लंच करते हैं। बोलो वहाँ बैठ के ना गाइस मस्त सुकून मिलता है यार। ये ब्रूनो, ब्रूनो वैसे यार गाइस मेरे कुत्ते से बहुत डर लगता है, पर ये कुत्ते बहुत ही मस्त है, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही फ्रेंडली गाइस कुत्ते, कुत्ते नहीं डॉग है गाइस, कुत्ते तो हमारे घर में है भाई, उससे तो भाई बहुत ज़्यादा लगता है, पर ये बड़े मस्त हैं यार। ब्राउनो 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 किसके कुत्ते का नाम था, किसके डॉग का नाम है गाइस कमेंट के जो बताना यार, जो भी मेरा ही दोस्त है जिसके भी डॉग का नाम है ब्राउनो यार। तो यार गाइस लंच भी कर लिया, तो भाई अब जाके हम जा रहे हैं कैफे में, कैफे में बैठते हैं, कैफे दिखाते हैं आपको। तो सुनील भाई क्या हाल है? तो गाइस रात में यहाँ पर लाइट वगैरह चलेगी, तो रात में दिखाएंगे यहाँ का व्यू। और भाई ये है कैफे, शूज उतारने पड़ेंगे। तो यार गाइस रूम पे आ चुके हैं, और भाई रूम पे एक चीज़ तो हम आपको दिखाना भूल ही गए सुनील भाई, क्या है वो? तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ बोलो, मैं मतलब रूम अपने लिया है सर, तो मतलब आप कौन सा, ये इसी बटन को दबाए रखना है? ये पीछे, अच्छा ये ऊपर नीचे। तो गाइस ये देखो, ये एक सनरूफ है, दबा के रखना पड़ता है क्या पूरा? मैं नहीं छोड़ता। अच्छा वन टच है, वाह गाइस अपनी थार की तरह वन टच। अब रात को ऊपर तारे देखेंगे यहाँ से हम। ये मुझे पता था कि मैं सोचा ऊपर पता नहीं क्या है। 2 महीने से हम लोग ऐसे बैठे पड़े हैं, तो अभी क्योंकि हिमाचल में इतना मतलब नेचुरल डिजास्टर इतना मेहनत हुआ है कि जिस वजह से मतलब लोग आ भी नहीं रहे, और अपना लोग सारे डर भी गए हैं, तो रिस्की भी है अभी फिलहाल, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होती है तो प्लेन चलाने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो यार गाइस आज रात भर तो मैं यही करने वाला हूँ ऊपर नीचे इसको।
चेतना हेलो चेतना। हाँ जी बोलो। हंसो भाई, तो मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी तो बड़ी हो जाऊंगी तब। फिर गाइस 8 बज चुके हैं, तो भाई अभी तुम्हारा भाई जा रहा है डिनर करने, और बाहर का भी दिखाता हूँ मैं रात में कैसा दिखता है। हम लोगों ने सोचा आपको कुछ अच्छा खिलाएं जो हेल्दी हो, तो ये कल तो मैंने मोमोज खा रखे हैं। कल का डिनर मोमोज था मेरा, तो भाई देख रहे हो आज ये है मिक्स वेज है एंड सलाद है, पहाड़ी रायता है और रोटी है, और ये सबसे हेल्दी माना जाता है रात के डिनर। हाँ रात के डिनर के। कैमरा खोल दे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट है मेरे को ना उस रूम से ज्यादा बेस्ट है, मतलब यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। मतलब यार बहुत ही पीस, मतलब अलग ही है, मतलब गिटार वगैरह भी रखा है, मन तो कर रहा गिटार बजा के रहेंगे, गम भरे गाने लगा दी जाए, बांसुरी भी है। आते हैं आपको नहीं? अरे बजा दो। मतलब है एक रूम बजाते हैं। गिटार बज जाएगा, ये नहीं बजेगा, गिटार बज जाएगा बस। तो गाइस खाना खाते हैं भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ ऐसी जगह जाए जो हिस्टोरिकल हो, और क्योंकि पहाड़ झरने नेचर से जुड़े हर एक चीज सभी को दिखते हैं, हर एक जगह की कोई ना कोई कहानी होती है, ये तो है, कोई इतिहास होता है जो लोग जानना चाहते हैं। तो कल हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानने के लिए हम वहाँ पे जाएं, और उसके लिए है मेरे पास, तो उसके लिए आपको फिर वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी बताएंगे नहीं, कल ही बताएंगे। तो फटाफट डिनर करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फाइनली दोस्तों डिनर कर लिया। तो यार गाइस आज की इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।